So right now I am sitting here in front of the Kaaba and भाई literally मैं कुछ दो दिनों का चल रहा हूँ, मैं बैठ हूँ यहाँ पे, मैंने कहा कुर्सी ले आया हूँ, छतरी पाकिस्तान से मैं लाया था, मेरे को पता था गर्मी तो इधर बहुत ज़्यादा होनी है, पता नहीं मेरे शक्ल आ रही होगी कैमरे में यहाँ पे। बिल्कुल ये चेक करो भाई, ये व्यू बिल्कुल काबा के सामने बैठे हुए और यहाँ पे मैं बैठ के काबा को देख रहा हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको सिर्फ देखने से भी सवाब मिलता है, एक तो है कि आप अपने बूढ़े माँ बाप को देखें, दूसरा खाना काबा को बस देखते रहें तो सवाब मिलता है। तो यहाँ पे बस मैं देख के खाना काबा को ही देख रहा हूँ भाई। रश भाई बहुत ज़्यादा रश है, आप लोगों की इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पे भाई। पसीना पसीना आ रहा है मेरा और भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अकल दी थी घर से लेकर आया था आते हुए छतरी, तो यहाँ पे मुझे फ़ायदा हो रहा है। बाकी मैं लोगों को देख रहा हूँ भाई, इतनी गर्मी में लोग बैठे हुए हैं, लिटरली ये जो मेरी छतरी है ना इसका लोहा सही गर्म हुआ हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आप लोग यहाँ पर व्यू चेक करो भाई, माशाल्लाह कितने ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पर यार मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ ली है, जुमे की नमाज़ हो गई है अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो। पर यार मसला ये है कि मैं भी एग्जैक्ट एग्जिट की तरफ गया था, इतना ज़्यादा रश था यार वहाँ पे भाई, मैंने कहा आके बैठ जाऊँ तो मैं ये आके लेट गया भाई, ये मैं थोड़ा मैंने कहा फारिग ही बैठे हुए हैं तो बस बैठ जाते हैं। बाकी माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा यार जुमे वाले दिन। मैं कहता हूँ आप लोगों को ना पाँव रखने की जगह भी नहीं, मतलब इतना भी नहीं है, पर यह रश है मतलब बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, देखो बंदे ही बंदे, मतलब बहुत बंदे यार माशाल्लाह यार बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ हर जगह आप लोगों ना बंदा ही बंदा नज़र आएगा और इतनी ज़्यादा रश है कि जिसका कोई साफ नहीं है। मैं आराम पहन के आया हूँ, वैसे भी मेरा आराम वैसे पता नहीं गंदा हो गया, पसीना आया था मैंने साफ किया तो वो ना सही, ये देखो ब्लैक ब्लैक हुआ, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो ना इसमें ये सही ब्लैक ब्लैक हो गया। रश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यार, मतलब जैसे नमाज ख़त्म हुई लोग दौड़ने लग गए तवाफ की तरफ। और वो देखो अगर आप लोगों को यहाँ से मैं दिखा पा रहा हूँ, वैसे कैमरे में उतना कुछ अच्छा नज़र नहीं आता जो बंदा आंख से देखे, ये तो बस बताने की बात होती है। ये वाली जो जगह आप लोगों को नज़र आ रही है ना जिधर ये अंकल सो रहे हैं अभी इस टाइम, ये यहाँ पे अंकल या भाई जो भी हैं, ये तकरीबन यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि आगे एक तो धूप थी और दूसरा मैं धूप से बचने के लिए आया था, आगे मैं यहाँ पर बैठा था कि मैंने कहा यार धूप है बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे थोड़ी देर आगे बैठा, आया तो उन्होंने बंद ही कर दिया कि भाई यहाँ से निकल नहीं सकते अब वो फिर मैं फंस गया, तो फिर मैंने यहीं पे नमाज़ पढ़ी, मैंने कहा चलो ठीक है गुड हो गया। बाहर असल में धूप बहुत ज़्यादा है और आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितना धूप में यहाँ पर मतलब गर्मी लगती है, समझ रहे हो बहुत ज़्यादा यार। ये मतलब जो अभी एग्जिट वाले दरवाजे बंद होते हैं वो भी इस टाइम खुले हुए कि बस लोग निकल रहे हैं, हर तरफ से निकल ही रहे हैं लोग भाई, इतनी ज़्यादा रश है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी बस भूख भी लगी हुई है, बस जाके रोटी खानी है और ज़रा थोड़ा सा ज़रा फ्रेश होऊंगा, पाँव छाँव धोऊंगा तो थोड़ा ठीक होऊंगा, फिर दोबारा से इंशाल्लाह असर के टाइम आएंगे और तवाफ़ काबा करेंगे। अभी मैंने तवाफ़ नहीं किया, सीधी जो बात है यार पाँव में असल में बहुत शदीद किस्म का ना वो हो रहा है नीचे दर्द, अभी बस घर जाऊँगा थोड़ा सा इसको पैरों को ना तेल से मल चल के फिर आऊँगा इंशाल्लाह ज़रा, फिर यहाँ पर करेंगे दोबारा तवाफ़। अस्सलामु अलैकुम माय डे फोर इन मक्का, और अभी मैं टोपी ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास टोपी कम है यहाँ पे दुकान से मिला करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाय दलकर कैब फलूस अरबा हम्स, यहाँ पे टोपियाँ भी महंगी हैं भाई, 5 रियाल की टोपी है, मैं रियाल ऊपर से लेके आता हूँ, 5 रियाल कितना बनता है पाकिस्तानी, 400 रुपये की टोपी है भाई यहाँ पे, वहीं से लेके आनी चाहिए थी पर चलो नहीं मिलाया तो यहाँ से लेनी तो है, क्योंकि अजीब ही मेरा वाटर मेलन लग रहा हूँ, मेरा जो सर है ना वो इस टाइम बिल्कुल उस तरह लग रहा है, तो वापस चलते हैं अपन लोग और जल्दी से लेकर आते हैं। हाँ भाई लेट हो रहे हैं हम, और हमारे जो है साथ ही पता नहीं कहाँ पर हैं, चलते हैं अपन लोग ऊपर। लिफ्ट मिली है इसी में चलता है। कौन सी पे जाना है? 5 पे भाई
चलो ये फायदा लिफ्टें लगी है, जहाँ से मुंह उठाओ वहाँ से आ जाओ। सो दिस इज अवर रूम 201। आ जा भाई, कितनी देर लगेगी। चलो भाई लिफ्ट उन शदीदन। वी विल गो टू ग्राउंड फ्लोर। यस ग्राउंड फ्लोर, लेट्स गो हबीबी। चल سأكون أنا من أرضانا، من أسعى لرضاه، وأكون So we will purchase a topi here. Topi. Yeah, for my size. ये टोपी देखते हैं भाई हमारे साइज की है कि नहीं। अच्छा तो ये करने के बाद हम लोगों ने ज़ियारात की थी उसी दिन, तो ज़ियारात की मैं इस वीडियो में डालना नहीं चाहता, वो इंशाल्लाह ताला सेपरेट पूरी एक वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको तमाम ज़ियारात कराऊंगा जो हमने मक्कातुल मुकर्रमा में की। तो भाई इफ़ यू आर स्टिल इन दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे ना अच्छी लगे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यार आगे भी व्लॉग्स आने वाले हैं जितने रोज़ मैं वहाँ रहा। आई हैव शूटेड ऑल द थिंग विच आई एक्चुअली कुड, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड करी और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा मक्का भी की मदीना की भी और इंशाल्लाह ताला सारी जितनी भी हो सकेंगे हम देखेंगे। तो अभी ये सफा मरवा के ऊपर मैंने बस वॉइस ओवर किया है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।